बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका किचन एक्सपर्ट उमर भट्ट एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियोस देखते हैं और उसे पसंद कर रहे हैं। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम देख के आपको पता चल रहा होगा कि हमने मुख्तलिफ जो वेजिटेबल्स हैं वो रखे हुए हैं, तो लिहाजा आज हम मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे लेकिन चिकन के साथ, क्योंकि बड़े तो बड़े पसंद करते हैं वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स जो होती हैं, लेकिन बच्चों को ये पसंद नहीं होती है मोमन। तो आज मैंने उनके लिए इसमें चिकन क्यूब डालूंगा ताकि वो भी ये खाएं, और जब आप उनको बना के खिलाएंगे तो ये बहुत पसंद करेंगे बच्चे भी। मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है, ऑयल हमने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था। चलो फ्राई करेंगे हम सबसे पहले सब्जियों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम गाजरें फ्राई कर लेते हैं। जी व्यूअर, तकरीबन 2 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। फ्राई करके आपने इसको निकाल लेना है बर्तन में, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट 2 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। ये हम इसमें निकाल लेते हैं, गाजरें हमने सारी निकाल ली हैं। अब उसी ऑयल के अंदर अब जो हमारे पास आलू थे ये भी हमने एक अदद बड़े साइज का लिया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्राई करेंगे इसको भी। जी हमारे जो आलू हैं वो भी हमने तकरीबन 2 मिनट फ्राई कर लिया, इसको भी निकाल लेते हैं। 2 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करना आपने किसी भी वेजिटेबल को। इसको भी हम निकाल लेते हैं बर्तन में। आलूओं के बाद हम गोभी, उसको भी इसी तरह शैलो फ्राई कर लेंगे, ये भी 250 ग्राम है। गोभी को भी हमने 2 मिनट फ्राई किया है, वो भी निकाल लेते हैं आप। इसी ऑयल में अब हम मटर डाल देंगे, ये भी 250 ग्राम हमने लिए हैं मटर। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जस्ट 1 मिनट इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। ले जनाब हमारी अब शिमला मिर्च है, हम उसको फ्राई नहीं करेंगे। गाजरें, आलू, मटर और गोभी ये हमने शैलो फ्राई किया है इनको। अब देखें पैन में ऑयल जो बचा है उसमें हम क्या करेंगे, अपना जो मसाला है वो तैयार करेंगे चिकन का, जो क्यूब्स हमारे पास है बोनलेस चिकन। सबसे पहले क्या करेंगे, उसी ऑयल के अंदर 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक, इसका पेस्ट हम शामिल कर देंगे इस तरह। ये मिक्स कर लिया था मैंने, इसको सोते करते हैं। जैसे हमारा लहसुन और अदरक सुनहरा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आप इसमें आप प्याज ऐड कर देंगे। एक अदद हमने प्याज की है दरमियाने साइज का, इस तरह कटिंग कर लेनी है आपने, वो ऐड कर देंगे। इसको भी तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा सुनहरा ब्राउन ना हो जाए। ठीक 2 से 3 मिनट के बाद प्याज जो है हमारा सुनहरा ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, चिकन क्यूब्स है हमारे पास 1/2 kg हमने लिया था बोनलेस चिकन, वो हम इसमें शामिल करेंगे। जैसे ही हमारे चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए साथ ही आपने इसमें स्पाइसेस ऐड कर देनी है। 1/2 kg हमारा बोनलेस चिकन था और तकरीबन 1 kg हमारी जो मिक्स सब्जी है वो तकरीबन बनती थी, तो हम इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून हम इसमें मज़ीद ऐड करते हैं। नमक ऐड करने के बाद 2 टीस्पून इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी इतनी क्वांटिटी में, 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, पाउडर नहीं ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है, टेस्ट आएगा इसमें। जीरा, साबुत जीरा हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बहुत मज़े की आज हम वेजिटेबल्स बना रहे हैं, मिक्स वेजिटेबल्स विद चिकन, सिर्फ बच्चों के लिए मैंने स्पेशली चिकन इसमें ऐड किया है,
अगर आप चिकन ना भी ऐड करेंगे तब भी बड़ी मज़े की बनेंगी ये जो मिक्स वेजिटेबल है हमारी। लेकिन बच्चे, मुझे पता चला है हमारा चैनल जो है वो बच्चे भी बड़े शौक से देख रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम उसमें चिकन ऐड कर देते हैं ताकि जो बच्चों की शिकायत है वो दूर हो जाए कि हमें मिक्स वेजिटेबल पसंद नहीं है। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। वक्ते वक्ते से इसको हमने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भूनना है जब तक कि ये ऑयल अलहदा होना शुरू ना हो जाए। ऑयल अलहदा होना शुरू हो गया हल्का हल्का सा। अब इसमें हम टमाटर ऐड करने लगे हैं, 3 अदर दरमियाने साइज़ के टमाटर आपने इस तरह कटिंग कर लेनी है उसकी भी, और ऐड कर देना है। टमाटर ऐड करने के साथ ही आपने कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून वो भी इसमें ऐड कर देंगे। उससे ये होगा कि इसका कलर बड़ा अच्छा सा आएगा रेसिपी का इस तरह। और इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी हम मसाला बना रहे हैं, जैसे हमारा मसाला रेडी होता है तो हम इसमें बाद में वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। जी हमारे टमाटर भी अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं इसमें मसाले के अंदर। अब आपने क्या करना है, जो हमारी वेजिटेबल्स थे फ्राई किए हुए वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। मटर वो ऐड कर देंगे, गोभी ये भी ऐड करते थे, 250 ग्राम हमने ली थी तमाम जो वेजिटेबल्स थे। आलू था 1 अदर हमारे पास, टमाटर जो हमने फ्राई किया था वो भी, गाजर 2 अदर थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और शिमला मिर्च जो है वो भी आप साथ आप इसके ऐड कर देंगे। 1 अदर शिमला मिर्च ली थी हमने वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा अच्छी तरह। हमने सब्जियों को मिक्स कर लिया मसाले के अंदर। अब आपने क्या करना है, इसको फ्लेम स्लो कर देना है बिल्कुल, और इसको दम लगा देना है आपने 10 मिनट के लिए। इसमें हमारी सब्जियां भी अच्छी तरह गल जाएंगी और उसका जो टेस्ट है मसाले का चिकन का वो सब्जियों में ऐड हो जाएगा, और बहुत मज़े का हमारा मिक्स वेजिटेबल रेडी हो जाएगा। जी व्यूअर्स, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हमारे चिकन मिक्स वेजिटेबल को, आइए अब दम ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मिक्स वेजिटेबल लग रहा है। अब मिक्स करने से पहले इसमें आपने काली मिर्च 1/2 टीस्पून वो इस पर ऐड करनी है इस तरह से, इससे बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा, मज़ीद बहुत अच्छा टेस्ट इसका लगेगा। और साथ इसके आपने हरी मिर्च जो है, आपको मालूम है कि मैं लास्ट पे ऐड करता हूँ इस तरह से, 2 से 3 अदद हरी मिर्च वो ऐड कर देंगे, और चाट मसाला ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, तो अगर नहीं ऐड करते हो तब भी कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं करूँगा इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला। हरा धनिया इस तरह से, देखें कितनी प्यारी हमारी डिश जो है तैयार है। अब आप इसका फ्लेम बंद कर देंगे हम। चले मेरे बस टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह
बहुत ही मजे का बना है मिक्स वेजिटेबल। जरूर ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करनी है ताकि आप अपने बच्चों को खिलाएं। अगर उनको मजा ना आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि उनको अच्छा लगा कि नहीं लगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि वो बहुत उनको पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।